हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक विशेष देश, महत्वपूर्ण देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का अध्ययन किया और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रेट लेक रीजन है। हमने उसमें चर्चा किया था कि किस तरह से ग्रेट लेक रीजन यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत ही इंडस्ट्रियल और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और उसमें शायद हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये 5 झीलों को ग्रेट लेक कहा जाता है और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी यही झीलें हैं, फ्रेश वाटर लेक। इसमें 5 ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो हैं। शायद चर्चा हुई थी कि इन 5 ग्रेट लेक्स में सबसे मीठा जल फ्रेश वाटर सुपीरियर झील का है और उसका जल आगे कैनाल से होता हुआ ह्यूरन, एरी, ओंटेरियो झीलों से होता सेंट लॉरेंस नदी से गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में चला जाता है। हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका का विशेष अध्ययन किए थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह ग्रेट लेक रीजन बृहद झील प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है और यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है और इसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो। ये 5 झीलें विश्व के मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार है और ये 5 झीलें आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। और हम लोगों ने एक चीज देखा था कि उत्तर में कनाडा और दक्षिण में USA की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली अक्षांश रेखा 49 अक्षांश 49 पैरेलल है जो विश्व की सबसे शांत सेना विहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर हम लोग देखे थे कि जब कोई जल राशि 2 देशों के बीच आती है तो उस पर दोनों का अधिकार हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर थंडर्स बे है, थंडर्स बे थंडर की खाड़ी सुपीरियर झील का ही एक भाग है और 49 अक्षांश जहाँ पर थंडर बे में मिल रही है उसी की सीध में आगे बढ़कर फिर लगभग बीच से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जा रही है, उत्तर में कनाडा, दक्षिण में USA। लेकिन यदि आप सुपीरियर झील को ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यह झील कनाडा और USA दोनों में है, लेकिन UPSC तो 2 विकल्पों को मानता ही नहीं। इसलिए आप तैयार रहें कि एक पर किस पर निशान लगाएंगे। तो स्पष्ट दिख रहा है कि USA में सुपीरियर झील का अधिकांश भाग है, इसलिए यदि एक का चयन करना है तो वह होगा कि सुपीरियर झील USA में स्थित है और सुपीरियर झील के पश्चिम में मेसाबी आयरन ओर डिपॉजिट है। मेसाबी विश्वविख्यात लौह केंद्र या लौह उत्पादक केंद्र और इसी लोहे पर आधारित डुलुथ आयरन ओर इंडस्ट्री है जो सुपीरियर झील के पश्चिम तट पर स्थित है। अब आइए हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जल के बीच से हो जा रही है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ने वाला एक छोटा सा जल मार्ग है, कैनाल है, जो था तो प्राकृतिक लेकिन इसको मनुष्य ने और विकसित किया है और इसमें नौकायन भी होता है।
इसको कहा जाता है शू कैनाल। शू कैनाल ध्यान रखिएगा किसको जोड़ती है, पांच में से यह जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन को। विकल्प तो बहुत बन सकते हैं, सुपीरियर और मिशिगन पर भी पूछा जा सकता है, लेकिन विकल्प क्या सही होगा, सुपीरियर और ह्यूरन। और इसके बाद इसी में ये आपकी एक जॉर्जियन बे है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो मिशिगन झील है। मिशिगन, मिशिगन के आसपास भी औद्योगिक विकास बहुत हुआ है, जैसे आयरन माउंटेन नाम ही है तो काम भी है, यहाँ पर भी आयरन ओर डिपॉजिट है। अब आप इस क्षेत्र में लौह के निक्षेप हैं, शायद आप ध्यान दें तो यह कनाडियन सील है, यह अंगारा लैंड का एक भाग है, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मूल भागों में ही लौह अयस्क का निक्षेप मिलता है। और दक्षिण में देखें तो यहाँ पर एक मेडिसन डेयरी बेल्ट है, मेडिसन क्योंकि यहाँ पर प्रेयरी घास का मैदान भी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है ना, मुलायम जलवायु है तो प्रेयरी घास है तो डेयरी का डेवलपमेंट है, मेडिसन याद रखिएगा। और इसके बाद यहीं पर आपका ये मिलवाकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है, शिकागो तो विश्वविख्यात है, शिकागो को विंडी सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर हवाएं 12 महीने सक्रिय रूप से चलती हैं, विंडी सिटी। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा स्लाटर सिटी है, बहुत बड़ा बूचर खाना है। शिकागो में सबसे बड़ा मलिन बस्ती है, सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी तो अपनी है बॉम्बे में, लेकिन उससे भी मलिन बस्ती स्लम शिकागो में है। इस तरह से शिकागो एक तरह से विंडी सिटी है, तो शिकागो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो शिकागो मलिन बस्ती है। और इसके बाद यहीं पर गैरी में ये भी तट पर है मिशिगन के, यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री है, पूर्वी भाग में इसके ग्रैंड रैपिड्स हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रेट है, जलसंधि है मैकिनाक, यह जलसंधि जोड़ती है किसको, मिशिगन को और ह्यूरन को। अब यहाँ पर एक फिर विवाद खड़ा होता है कि पांच झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो, कौन झील ऐसी है कि जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कनाडा देश का उस पर अधिकार ही नहीं है। तो शायद चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा मिशिगन, मिशिगन झील पूर्णतः यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और चार झीलों से वह अंतर्राष्ट्रीय जली सीमा गुजरती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ह्यूरन और इरी झील के बीच में एक जगह है डेट्रॉइट, ये भी तो विश्वविख्यात है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, स्वचालित वाहन उद्योग के लिए डेट्रॉइट। और यहीं पर एक लेक है सेंट क्लेयर, सेंट क्लेयर लेक भी है, और सेंट क्लेयर एक ऐसी रिवर भी है जो कि ह्यूरन और इरी झीलों को जोड़ती है। शंका नहीं होनी चाहिए कि सू कैनाल या सेंट क्लेयर लेक, सेंट क्लेयर लेक यहाँ पर और सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरन के बीच। हम आगे बढ़ते हैं इरी झील के किनारे क्लीवलैंड, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहीं पर इरी झील के किनारे इसके नाम की ही इरी सिटी, इरी नगर। अब इरी झील का पानी ओंटेरियो से संबद्ध है, और इरी और ओंटेरियो के बीच में एक है
विलैंड कनाल। विलैंड कनाल विलैंड नहर इरी और ओंटेरियो को जोड़ती है, लेकिन यहाँ एक चित्ताकर्षक चीज है। क्या है? यहाँ पर एक नियाग्रा रिवर है, 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर लंबी है। नियाग्रा नदी जब इस सीमा पर आती है विलैंड कनाल में, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है, अर्थात कनाडा का भाग गहरा है और यूएसए का भाग ऊंचा है। तो नदी जब ऊपर से यूएसए से कनाडा में गिरती है तो एक फॉल बनता है जिसका नाम है नियाग्रा प्रपात। जरा सोचिए कि नियाग्रा प्रपात बॉर्डर पर है, लेकिन उत्तर तो आपको स्पष्ट देना है, यूएसए में या कनाडा में। कुछ लोग यूएसए समझते हैं, यूएसए के लोग देख ही नहीं सकते, ऊंचा है, फाल नीचे गिर रहा है, तो जल प्रपात को देखने के लिए, बढ़िया नजारा देखने के लिए आपको नीचे बैठना होगा, तब ऊपर से गिरता हुआ झरना अच्छा दिखेगा। इसलिए इस झरने का लुत्फ कनाडा के लोग लेते हैं। तो पानी तो गिरता है यूएसए से और गिरता है कनाडा की जमीन में, इसलिए इसका उत्तर आप देंगे कि नियाग्रा फॉल कनाडा में स्थित। और इसके बाद आपकी ओंटेरियो के बाद तमाम इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, और ओंटेरियो के पास में ही फिंगर्स लेक है। फिंगर्स जैसे उंगलियां बनी होती है। फिंगर्स लेक का निर्माण कैसे हुआ आपको याद होगा, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में झीलों का एक लाइन में होने का कारण पढ़ रहे थे, तो ग्रेट बियर झील से आपने स्टार्ट किया था और क्रमशः ग्रेट स्लेप से होते हुए सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो तक आप आए थे, आपको याद होगा। और उसी समय हम आपको बताए होंगे कि यहाँ पर फिंगर्स लेक है। तो अब आप बताइए कि फिंगर्स लेक का निर्माण कैसे हुआ होगा? स्पष्ट हिमानीकरण के कारण। कौन सा हिमानीकरण? याद करिए जरा, प्लीस्टोसीन काल का हिमानीकरण। अब हम आगे देखते हैं कि क्या ओंटेरियो झील का पानी यहीं भरा रहता है या निकलता है। निकलता है कैसे? एक भ्रंश है, दरार है, जिसके दोनों साइड में पहाड़ है, लॉरेंटाइड्स माउंटेन, उन्हीं के बीच भ्रंश से होकर बहती है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जा मिलती है, और सेंट लॉरेंस नदी की एक सहायक नदी है ओटावा। आप जरा बुझिए कि ओटावा सेंट लॉरेंस की दक्षिणवर्ती सहायक नदी है कि बामवर्ती। ऐसे प्रश्न दुनिया में किसी भी नदी पर पूछे जा सकते हैं। तो इसका सरल सा उत्तर है कि आप जिस तरफ नदी का पानी बह रहा है उसी तरफ मुख करके पानी पर चलते चले जाइए। जो नदी बाएं से आके मिल रही है वह बामवर्ती नदी होगी, और जो नदी दाहिने से आके मिल रही है वह दक्षिणवर्ती नदी होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब आप निर्णय लीजिए कि ओटावा नदी सेंट लॉरेंस की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी कि राइट हैंड, साफ वामवर्ती सहायक नदी होगी। और ओटावा नदी के ही किनारे ओटावा शहर है। अब ओटावा शहर ओटावा नदी के दाहिने तट पर है कि बाएं, यह निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि विश्व के ज्यादातर नगर नदियों के किनारे हैं। दाहिने या बाएं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फार्मूला यही है जो हम लोग डिस्कस किए। आगे जाने पर इस नदी के ठीक बीचों बीच एक शहर बसा है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल पर अगर आप बैठ जाएं, वहां लोग बसे हैं, शहर है,
तो नदी का पानी वहां पर दो भागों में बट जाता है, अर्थात यह एक नदी द्वीप है, एट रिवर, AIT एट, जो चारों तरफ नदी के जल से घिरा है। और क्या ऐसा भूदृश्य दुनिया में और कहीं है? हाँ, इन चीजों में भारत पीछे नहीं रहता है, और अगर वन प्लेस है तो भारत में है, ब्रह्मपुत्र में, माजुली विश्व का सबसे बड़ा, और यह मॉन्ट्रियल दूसरे नंबर का है। लेकिन इसलिए कि भारत का माजुली विकसित नहीं हो पाया, मॉन्ट्रियल विकसित हो गया, जिसकी चर्चा आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन समझौता यहीं पर हुआ था। और इस तरह से यह नदी सेंट लॉरेंस आगे बढ़ती है, क्यूबेक प्रांत है किसका, कनाडा का, उसके किनारे से होती यह जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो रही यात्रा हमारे सुपीरियर झील से जल के प्रवाह की, जो कि जाकर पूर्ण होती है यात्रा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। लेकिन वहीं से यात्रा शुरू भी होती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले जलयान जो पश्चिमी यूरोपीय देशों से आते हैं या अफ्रीकी देशों से या इंडिया कहीं से, वो सब के सब जलयान इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी से, सेंट लॉरेंस नदी से प्रवेश कर मॉन्ट्रियल का दर्शन करते और अंदर इरी, ओंटेरियो, ह्यूरन और सुपीरियर झील तक चले जाते हैं, और वो बाहर से कच्चा माल लेकर इन झील के किनारे स्थित केंद्रों को देते हैं, और बदले में यहाँ के सारे प्रोडक्ट को एक बाहर की तरफ निर्यात करते हैं। इसलिए आयात निर्यात का यह जल परिवहन इतना महत्वपूर्ण है कि इससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ है। तो भला बताइए, क्यों ना कनाडा और USA मित्रता का हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि यह पांच बृहद झील कनाडा और USA के लिए एक वरदान है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं अगर इस लाइन में ये चीजें आपके दिमाग में है। जैसे हम लोग पूछे थे कि सूर्योदय सबसे पहले किस झील पर होगा, तो जो सबसे पूर्व में होगी ओंटेरियो में। सूर्यास्त सबसे बाद में किस झील पर होगा, जो सबसे पश्चिम में होगी, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय नहीं होगा। बर्फ की चादर सबसे पहले उत्तर से अगर बढ़ेगी तो किस झील पर आएगी, सुपीरियर पर। सबसे स्वच्छ मीठा पेयजल किसका होगा, सुपीरियर पर। सबसे प्रदूषित जल किसका होगा, ओंटेरियो का। इस तरह से बहुतेरे प्रश्न इस पर बनेंगे, और इसके बारे में आप इस चित्र को ध्यान में रखेंगे तो आप इसकी लोकेशनल स्टडी में सफल रहेंगे।